तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैं गांव के साइड जा रहा हूँ अपने, और आज छोटी सी एक पार्टी गांव के लड़कों के साथ चिकन पार्टी करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँ ये चक्राता की बात, चक्राता के रोड पे जो वादियाँ हैं, जिस तरीके से मैं चल रहा हूँ इसी तरीके से हाईवे ये मिलेगा आपको चक्राता के लिए। यहाँ से ये माइल स्टोन दिख रहा है इसका, तो ये चक्राता का 38 किलोमीटर दिखा रहा है। और यहाँ से ये कालसी का ये एंड पॉइंट है, सबसे एंड पॉइंट है। आप यहाँ पे जब आए आप देख सकते हैं। मैगी पॉइंट की ओर, यहाँ पे पीछे हमारे दो भतीजे बैठे हैं नानी। आप यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं, यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे तो पानी का एक झरना सा भी है, इसका आप एक साइट विजिट कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में अगर आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ है विजेंद्र सिंह जो कि मेरा भतीजा है, और हम चापनू से ही हैं, एक परिवार के हैं, एक परिवार से जुड़े हुए हैं। और पीछे आप देख रहे होंगे एक मैगी पॉइंट है जो अभी विजेंद्र ने दिखाया है, और काफ़ी अच्छा मैगी पॉइंट मुझे ये लगता है। और ये काफ़ी अच्छी साइट विजिट आप कर सकते हैं अगर दिल्ली देहरादून और ये हरियाणा साइड से अगर आप यहाँ विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर यहाँ पर आएँ और नेचुरल पानी का मज़ा लें। नीचे आप देख सकते हैं पानी का झरना है और नेचुरल पानी आपको पीने को भी मिलेगा, तो एक अच्छा है। आजकल गर्मियों के हिसाब से लोग पहाड़ों की ओर जाते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, विजेंद्र से मिल सकते हैं, काफ़ी अच्छी मैगी और चाय बनाता है। तो आज हम आए हैं अपना एक इंजॉय करने के लिए, सैटरडे, आज सैटरडे मना रहे हैं, आज सैटरडे मना रहे हैं। और आज हमने चिकन बनाया और यहाँ पे हमारे अधिकारी साहब यहाँ पे प्लेटें पकड़े हुए हैं। स्वार जो है हमारा यहाँ पे लगा पड़ा है चावल देने में। और ये भंडारे में बैठे हमारे आसू भैया, हमारे भतीजे आसू भैया के नाम से जानते हैं चापनू में, ऑपरेटर भी बोलते हैं कभी कभी। तो चिकन पार्टी आज हमारी स्टार्ट होते हुए, और ये मैगी पॉइंट के जो ओनर है वही डांस दिखा रहे हैं आंगनवाला है। हाँ यार आंगनवाला डांस तो दिखा दे यार, आंगनवाला डांस, आंगनवाला ले, ले, ले। इस प्रकार हमारी यात्रा समाप्त हुई। और ट्रेवल यहाँ पे तो घूम दो, और ये हमारे ड्राइवर ये जिनके ड्राइवर आज हमारी गाड़ी चला रहे हैं अच्छी हुई। और उसके बाद बिल्कुल फुकरे लौंडे पीछे बैठे हुए दो, नमस्कार, मैं अभी जिंदर चापनू से, ये हमारे भाई साहब चापनू से, हां तो भाई दोनों सब चापनू से। आर्टिफिशियल लव, आर्टिफिशियल लव, आर्टिफिशियल लव, वी जस्ट मेक इट। बाद में आए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो कि झूठ में है, टाइगर फॉल का छोटा भाई, तेंदुआ फॉल। कांगाऊ और चतरोई, ये आपको पहाड़ों पे आजकल मिलेगी सीजनल,
काफ़ी आज इंजॉय किया। अब राजी हमने तोड़ी और खाइए, अब इसका मज़ा लेंगे। सभी पहाड़ी लोग इसको जानते हैं, चतरोई और कांगो को, कितने स्वादिष्ट होते हैं। तो इसी ब्लॉग के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।